सिंगा और आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज हम लोग निकले हैं देवड़ी मंदिर और सूर्य मंदिर के दर्शन करने के लिए। तो जमशेदपुर से लगभग 81 किलोमीटर है सूर्य मंदिर, तो हम लोग चलेंगे आज वहीं पे और उसका आगे पड़ता है देवड़ी मंदिर, उसका भी दर्शन आप लोगों को करवाएंगे। तो दोस्तों चलिए चलते हैं और आपको सब कुछ बताते हैं, वहाँ जाके वहाँ का लोकेशन सब कुछ दिखाएंगे और दर्शन करवाएंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। दोस्तों लगभग हम लोग पहुंच ही चुके हैं, देख ही सकते हैं मेन रोड से आप लोगों को मंदिर दिखने लग जाएंगे। लेफ्ट साइड में देख सकते हैं इतना बड़ा मंदिर, कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ से मंदिर को देखने में। तो अभी हम लोग चलेंगे इसी में और दर्शन करेंगे और साथ में आप लोगों को भी करवाएंगे। चलिए दोस्तों हम लोग दर्शन करते हैं, साथ में आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और यहाँ आगे कितने सारे दुकान देख सकते हैं जहाँ से आप लोग प्रसादी वगैरह ले सकते हैं और यहाँ पे पूजा वगैरह कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ का जो मान्यता है सब कुछ बताएंगे और थोड़ा डिटेल्स में आपको दिखाएंगे। दोस्तों देवड़ी मंदिर भारत के झारखंड राज्य के रांची जिले में तमाड़ के देवड़ी गांव में स्थित है। एक धार्मिक स्थल है जहाँ आदिवासी और हिंदू संस्कृति का संगम देखा जा सकता है। यह रांची टाटा राजमार्ग NH 33 के पास स्थित है। इस प्राचीन मंदिर का मुख्य आकर्षण माँ देवी दुर्गा काली की 16 भुजाओं वाली 700 साल पुरानी मूर्ति है। इसे आदिवासी भूमिज मुंडा समुदाय में माता देवड़ी दीड़ी के नाम से जाना जाता है। मंदिर में भक्त अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए बांस पर पीले और लाल रंग के पवित्र धागे बांधते हैं। मन्नत पूरी होने पर वे फिर से मंदिर आते हैं और धागा खोल देते हैं। देवड़ी मंदिर रांची के मुख्य शहर से थोड़ा बाहर स्थित है। करीब 2 एकड़ में फैले रांची के इस पुराने मंदिर में यहाँ भगवान शिव की एक मूर्ति भी है। दोस्तों बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, हम तो बोलेंगे आप लोग एक बार जरूर आइए। और जो जो आ चुके हैं यहाँ पे पूजा वगैरह इससे पहले आके किए हुए हैं तो मेरे को कमेंट में भी बता सकते हैं कि कौन कौन आए हुए हैं और आप लोगों को कैसा लगा। तो दोस्तों अभी हम लोग चलेंगे आगे सूर्य मंदिर की ओर, वहाँ का भी दर्शन करेंगे और आप लोगों को भी करवाएंगे। तो वीडियो में बने रहिए दोस्तों और चलिए चलते हैं यहाँ से निकलते हैं। दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं सूर्य मंदिर और देख सकते हैं यहाँ का जो लोकेशन है बहुत ही खूबसूरत है। और आगे आप लोग देख सकते हैं इतना विशाल बड़ा सूर्य मंदिर। तो चलिए इसका दर्शन करवाएंगे और इसके बारे में पूरी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। दोस्तों झारखंड राज्य के रांची जिला से महज 40 किलोमीटर की दूरी रांची टाटा मार्ग के बुंडू के एदलहातू गांव के पहाड़ पर सूर्य मंदिर स्थित है। सूर्य मंदिर का निर्माण एक विशाल रथ के रूप में किया गया है जिसमें 18 पहिए और 7 घोड़े हैं। मंदिर के अंदर में शिव पार्वती और गणेश सहित कई मूर्तियां विराजमान हैं। यह मंदिर रांची जिला के काफी प्रसिद्ध मंदिर है जो देखने में काफी मनमोहक दृश्य प्रतीत होता है। तो यहाँ हर साल 25 जनवरी को मेला लगता है, छठ पर्व के दिन और मेला जो लगता है यहाँ बहुत सारे लोग इस मेले को देखने के लिए आते हैं। तो आप लोग भी अगर आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। तो देख सकते हैं यह कितना खूबसूरत लग रहा है और यहाँ का आसपास का लोकेशन भी आप लोग देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत है। हम तो बोलेंगे आप लोग जरूर एक बार आइए और यहाँ पे आके दर्शन करिए। और मंदिर का अंदर जाना अलाउ नहीं था कैमरा लेके, तो हम लोग मंदिर का बाहर ही आप लोगों को दिखा रहे, इतना सुंदर लग रहा है यहाँ से बाहर की ओर। और तो चलिए और थोड़ा आगे देखते हैं और यहाँ देखिए कितना
विशाल मंदिर ये इसको बनाया गया है। हम तो बोलेंगे जरूर से जरूर आप लोग इस मंदिर में आइए और दर्शन करिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा, और कमेंट में मेरे को बताइए आप लोगों को ये प्लेस और ये मंदिर कैसा लगा, आप लोगों को जरूर कमेंट में बताइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।